வந்துற सब गाइस कैसे हैं आप सभी लोग। होप करता हूं कि आप सभी लोग ठीक ठाक होंगे। भाई आज आपको पता ही होगा कि आज दशहरा है और आज मैं ये पहले बता देना चाहता हूं कि ये कोई मोटो व्लॉग नहीं होगा। आज मेरा ऐसे ही मन कर रहा था व्लॉग बनाने का, क्योंकि आप देख सकते हैं वो सामने आपको दिख नहीं रहा होगा, वो छोटे छोटे पुतले लगे हुए रावण है। तो आज मैं आपको दिखाऊंगा दशहरा का व्लॉग, व्लॉग में बने रहेगा और दिखाता हूँ आपको झांकी जो निकली हुई है उनके पास जाके। मैं और पापा ही जा रहे हैं, वो ये बेचारा रहेगा फिर घर। बाय बाय रैम्बो। ये देखो कैसे कैसे रूट रहा है, कोई लेके नहीं जा रहे। चल तो भाई लोग ये देखिए बांदर है। भाई लोग ये ग्राउंड है, ये लगा हुआ एक इशारा हमारी वाली रामदेरा का, और ये दूसरा को दिखाता हूँ। ये दोनों तो सेम ही लग रहे हैं, ये वाला और ये वाला। ये हमारे मोहल्ले के लोग, ये मेरा फ्रेंड है एक्स मार्डी एंक्स। हाय। तो इस बार तो भीड़ है नहीं इतनी, देख ही सकते हैं हम झाड़ियाँ वगैरह कितनी आई हुई हैं। झाड़ियाँ बहुत चुकी हैं तो भीड़ कहाँ से होगी, ऊपर ही होगी अगर होगी, यहाँ वो पुरानी पुल पर टूटा हुआ है। ये है कुछ तीन दशहरे और ये हमारा वाला। Ladies and gentlemen, it's showtime. कुछ आज का व्लॉग, जब दशहरा वगैरह हो गया था ना तो मैंने तब बनाई नहीं थी वीडियो, अभी मैं घर आया हूँ, अभी ये शूट कर रहा हूँ। तो पहले भी बताया होगा मैंने कि ये कोई मोटो व्लॉग नहीं था, ऐसे ही मन कर रहा था वीडियो व्लॉग बनाने का दशहरे का, मैंने बना दिया। तो भाई साहब अगर व्लॉग ये छोटा सा व्लॉग अगर अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल द ब्लैक पर्ल राइडर को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना, अच्छी अच्छी वीडियो चाहिए। और मिलते हैं किसी अच्छे से व्लॉग में। और आपको एक मैं खुशखबरी दे देता हूँ, कल मैं जाऊँगा अपनी बाइक लेने, वो भी मैं शायद व्लॉग बनाऊँ शायद। तो मिलता है अगले व्लॉग में। तो भाई लोगों मैंने एक चीज़ मंगवाई थी अमेजोन से, आपको भी दिखाता हूँ। ये ऐसा कुछ पार्सल है जो मैंने मंगवाया, इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, दिखाते हैं आपको भी। You ask me how we got here, 'cause you don't know how. You say we taking on you. हेलमेट के लिए तो करते हैं, खोलते हैं इसको फिर दिखाता हूँ आपको कैसा लगता है। तो भाई अभी मैं स्टीफन भाई के घर आया हूँ, ये देख सकते हैं अपनी बाइक घर आ चुकी है। अभी स्टीफन भाई के रिएक्शन का रिकॉर्ड करते हैं कि कैसा रिएक्शन उनको देख के बाइक आ चुकी है फाइनली, डेढ़ मंथ के बाद दिखाते हैं आपको। सब कुछ चेक कर ही सकते रिएक्शन, बड़ा घटिया सा रिएक्शन दिए और इनका रिएक्शन वगैरह भी रिकॉर्ड कर लिया। तो बाद में नीचे जाके बताऊंगा आपको कि क्या क्या चेंज करवाया और क्या क्या नया हुआ मेरी बाइक में, वो दिखाता हूँ आपको बाद में थोड़ी। ऋतिक भाई अभी आ चुके थे, वो आपको वहाँ चल के बताता हूँ आपको फिर जाके वहाँ पे कैसा सा सिस्टम है वहाँ पे, कैसा सा नहीं। तो आई होप मैंने ये नया सेट भी रेडी करा, एंगल वगैरह चेक कर लेना की कैसा आ रहा कैसा नहीं, एंगल ठीक है। भाई मैं भूल चुका था फोन मैंने लगाया यहाँ पे।
तो ये है अपनी बाइक, तो डिस्क पैड चेंज हुए हैं इसके, अगले पीछे एयर फिल्टर और आगे के पंप खराब हुआ था वो भी चेंज करवाया, देख ही सकते हैं कैसी लग रही है बाइक। मीनू ले जाओ ना, ये आप आ जाएगा। तो भाई साहब आप हम जा रहे हैं, ये अभी हम पहुंचे क्या बोलते हैं इसको मॉडल टाउन पहुंचने वाले हम, और ऋतिक भाई बाइक चला रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं भाई कैसी है, कैसी चल रही है, अच्छी चल रही है कि अच्छी नहीं चल रही, कट कैसे मार रहे हैं उस्ताद जी हमारे। तो भाई देखते हैं फिर जाके वहाँ पे कैसा सा हेलमेट है, कैसा सा हेलमेट लेना उसने भाई ने, हनी भाई ने। तो ये देख ही पा रहे हैं पुलिस वाले खड़े, ये भी देख रहे होंगे क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा, चेक करिए। तो देख ही पा रहे हैं नी पैड तो मैंने डाले हुए हैं अपने बाइक, ऋतिक भाई चला रहे हैं तो देख सकते हैं कैसे देख रहे हैं मेरी तरह हेलमेट के ऊपर क्या लगाया हुआ, क्योंकि हमारे इधर है नहीं इतना व्लॉगिंग का सीन पानी ना, इतना है नहीं व्लॉगिंग मोटर व्लॉगिंग का सिस्टम वगैरह, तो फिर देख कैसे लोग देख के फिर हैरान ही हो जाते हैं क्या कर रहे हैं, कैसे क्या क्या लगाया हुआ उन्होंने हेलमेट पे, पहली बार देखा होगा किसी ने इधर तो मोबाइल पे। तो वो बाइक खड़ी हुई है स्टीफन बाइक के पीछे, ठीक तो हो चुकी है बट जब पैसे आएंगे तो फिर ही होगा उसका भी काम। आई होप एंगल वगैरह अच्छा ही आ रहा होगा। तो अभी मैं बता तो देता हूँ आपको कि अभी हम अमन भैया की शॉप पे जा रहे हैं, जिन्होंने मतलब कि एक ही लगा लो एक ही अच्छी शॉप है, एक उसकी क्या बोलते हैं राइडिंग गियर्स की, जो अच्छे दाम पे मतलब कि सामान सामान दे देते हैं राइडिंग का, और कोई तो है नहीं हमारे यहाँ पे। तो आज ये भी बता दो कि आज लास्ट सीन होगा रामलीला का, तो दिखाऊंगा अगर मैं जाऊंगा रामलीला देखने आज तो वो भी दिखा दूंगा आपको। आई होप ये छोटा सा व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, तो उम्मीद करता हूँ कि अगले व्लॉग में और अच्छे अच्छे व्लॉग लाऊं, क्योंकि अभी तो सेटअप भी आ गया इसका। इस वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर कर देना, और मिलते हैं आपको किसी अच्छे से नए व्लॉग में, क्योंकि अभी मेरा मन नहीं कर रहा यार वैसे वहाँ पर जाके व्लॉगिंग वगैरह करने का, दुकान पर अच्छा भी नहीं लगता। तो मिलते हैं किसी अगले व्लॉग में, और तब तक के लिए बाय बाय, और राइड सेफ करिए और अपना ध्यान रखिए। तो बाय बाय।